गाइस अगर तुम भी एक यूट्यूबर हो एंड यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हो तो ऐसे में आपको पता ही होगा कि ऑडियंस रिटेंशन कितना इंपॉर्टेंस करता है आपकी वीडियो को ग्रो करने के लिए, आपको चैनल ग्रो करने के लिए। एंड ऑडियंस रिटेंशन मेंटेन करने के लिए आपको अपनी वीडियो पर कुछ काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी करनी पड़ती है। एंड ऐसे में अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हाउ टू टाइप वीडियोस या फिर कुछ दिखा रहे हैं, किसी ऐप को प्रमोशन कर रहे हैं एंड यहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग से काम चला रहे हैं, अभी आपने फेस रिवील नहीं किया है, तो ऐसे में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ही काफ़ी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है। तो ऐसे में आपको आपके बैकग्राउंड के साथ काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी करनी चाहिए जिससे आपका बैकग्राउंड काफ़ी तगड़ा दिखे और आपकी ऑडियंस का रिटेंशन जाए। सो गाइस आज के इस वीडियो पर हम इसी तरीके का एनिमेटिव टेक्सचर बैकग्राउंड क्रिएट करने वाले हैं और ये हम दो ऐप की मदद से करेंगे, एक है पिक्सल ऐप एंड दूसरा है काइनमास्टर। तो चलिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, वहीं पर देखते हैं कैसे हमको बनाना है इस तरीके का बैकग्राउंड। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे पिक्सल ऐप एप्लीकेशन पर जैसे ही चलते हैं यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 16:9 का रेशियो सिलेक्ट करना है जो कि यूट्यूब वीडियोज़ को बनाने के लिए होता है। और गाइज हम अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए बैकग्राउंड बना रहे हैं, मतलब यूट्यूब वीडियोज़ के लिए जो वीडियो बनाते हैं उसी के लिए बैकग्राउंड बना है। यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं या फिर अपना कुछ भी नाम लिख सकते हैं। एंड जैसे ही नाम लिखते हैं उसको हम क्या करना है, डबल स्पेस करना है। उसके बाद देखिए हमने नाम लिखा, इसके बाद डबल स्पेस किया और डबल स्पेस करने के बाद इसी नाम को कॉपी करके फिर से पेस्ट करना है। ऐसा आपको कई बार करना है, अप्रॉक्स 70 से 80 टेक्स्ट लिख देना, मतलब वर्ड लिख देना है और इसी को आप कॉपी पेस्ट करते जाइए, बार बार होता जाएगा और इतने बहुत ही कम टाइम आपका बच जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम आपको बच जाएगा, बहुत ही कम समय लगेगा। ओके पे क्लिक करते हैं एंड देन उसके बाद इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। फिर चलते हैं यहाँ वाले ऑप्शन पे, बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, ग्रेडियंट बैकग्राउंड रखते हैं, ये वाला ऑप्शन हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे देखिए हमें टेक्स्ट और जो है बैकग्राउंड के बीच में काफ़ी ब्लरिंग सा दिख रहा है, उसके लिए हम पहले तो टेक्स्ट को जो है फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जितना हमको ज़रूरत है इसको रोटेट कर लेते हैं या फिर साइज़ को छोटा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉपरली नहीं हो रहा तो हम थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर लेते हैं एंड अभी देखिए ये परफेक्टली हो चुका है, इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया है। एक बार फिर से हम इसको राइट स्ट्रेच करते हैं, देखो परफेक्टली हो चुका है। एंड देन अभी चलते हैं हम बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे देखिए हम बैकग्राउंड को सबसे कोने वाला ऑप्शन है, इसमें से हम ब्राइटनेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ह्यू को थोड़ा बहुत कम कर लेंगे जिससे बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट के बीच में काफ़ी अच्छा लाइटिंग इफेक्ट आए एंड फोकस जाए हमारे टेक्स्ट पर। सो इसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर लीजिए, जितना आपको चाहिए ब्राइटनेस को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करिए। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फ़ोटो को जो है सेव कर लेना है। देखिए हमारा हो चुका है, फ़ोटो को सेव कर लिया और यहाँ पे हम काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेते हैं ऐसा बैकग्राउंड। तो जैसे बैकग्राउंड के रूप में ऐड करते हैं देन इसको हम 10 सेकंड तक बढ़ा देते हैं, 10 सेकंड तक जैसे हम बढ़ा देते हैं उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है। उससे पहले तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, इसको पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पर जाना है, पैन एंड जूम पर पहले जाना है, जो नंबर एक पे मतलब ऑप्शन दिया गया इसको लेफ्ट कॉर्नर पर आपको बड़ा करना है और सेकेंड वाले में राइट ऊपर कॉर्नर पर बड़ा करना है। इससे ऐसा कुछ एनिमेशन आपको शो होगा अपनी बैकग्राउंड पे एंड देन यहाँ पे आप लेयर को ऐड जब करेंगे, जैसे हम यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर देते हैं और काफ़ी तगड़ा सा मतलब लुक अभी देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको जितना मुझे चाहिए उसको जो है कट वट कर लेता हूँ, ट्रिम कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा एनिमेशन दिख रहा है हमारे बैकग्राउंड पे। और यहाँ पे अभी इसको थोड़ा बहुत हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, आप जितना आपको ज़रूरी हो उतना कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड पे एक विनेट ऐड कर देते हैं जिससे हमारा फोकस जो है टेक्स्ट पर भी जाए एंड वीडियो पर भी जाए, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर जाए। सो इसी तरीके से आप एनिमेटिव बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हो एंड काफ़ी तगड़ा लग रहा है। इसी तरीके से आप एनिमेटिव बैकग्राउंड को क्रिएट कर लेंगे, सो इसको हम सीधे एक्सपोर्ट कर लेंगे एंड अपनी वीडियो पर लगा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पर न हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं वीडियो पे।